चित्रकूट अनादि तीर्थ है। यहाँ के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान शंकर यानी स्वामी मत्स्येन्द्रनाथ महाराज हैं। यहाँ पर राम ने भी आकर रहने के लिए अनुमति ली थी। आज हम आपको दर्शन कराएंगे उस अद्भुत चित्रकूट के, जो बताएगा कि चित्रकूट में काशी कैसे बसती है। आज आपको हम लेकर चलते हैं चित्रकूट में छिपे एक ऐसे स्थान पर जिसे आप चित्रकूट की काशी कह सकते हैं। यह स्थान है पंच दशनाम जूना अखाड़े का इकलौता स्थान, जो यहाँ पर न केवल लोगों को शैव भक्ति की ओर आकर्षित करता है बल्कि लोग यहाँ पर आकर मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। यह राघोपुरी महाराज जी हैं। राघोपुरी महाराज पंच दशनाम जूना अखाड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इनका शरीर यहाँ पर अंदर समाधिस्थ है, ऊपर इनकी मूर्ति है। वास्तव में आदि गुरु शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी और राघोपुरी महाराज काशी के शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारियों के वंशज जगतगुरु से दीक्षित थे। उनको यहाँ पर चित्रकूट लाया गया और चित्रकूट में आकर उन्होंने अपने तप से इस जगह को ऐसा जागृत किया कि यहाँ पर उन्होंने काशी की ही स्थापना कर दी। अभी आपको बता रहे हैं इस वर्तमान महंत गोवर्धनपुरी इस अखाड़े की स्थापना के बारे में। दशनाम जूना अखाड़ा, यहाँ फिर गुरु जी आए राघोपुरी स्वामी जी, श्रेखन सिंह सोलंकी उनको लाए, उनसे उनके चेला भी बन गए। वो विश्व जब जमीन विदान लगा दिया, बढ़िया आश्रम बन गया। अब यहाँ सब साधु रहते हैं, तपस्या करते हैं। चित्रकूट में शैव अखाड़े की स्थापना करने वाले चित्रकूट के ओरिजिनल राजवंश के सुदकी यानी सोलंकी परिवार के अमित सिंह सोलंकी बताते हैं कि कैसे उनके पिताजी चित्रकूट में इस शैव अखाड़े को लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि पिताजी ने इसके लिए कठिन मेहनत करी। माध्यनाथ महाराज अधिराज माध्यनाथ जी के उपासक थे, हम लोग उन्हीं के शरण में रहते थे और हमारे पिताजी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि यहाँ एक पंच जूना दशनाम अखाड़े का संस्था हो। तो उसके लिए हम लोग काशी और इलाहाबाद दोनों जगह जाते रहे, दोनों जगह अखाड़े थे। तो काशी से हमको पता चला कि यहाँ के एक शिष्य हैं जो अवधा बरेठी में संत वो पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मलीन हैं। तो उनसे हम लोग जाके मुलाकात किए। वो जब वहाँ से आए तो उन्हें हम यहाँ दिखाया और आज से 42 साल पहले उनको हमने हमारे पिताजी ने यहाँ ज़मीन थोड़ी से दान में दिया और एक छोटा सा उनके लिए कुटी बनाई गई। यहाँ उन्होंने पूजा की और सिद्धि भी प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अपने सैकड़ों शिष्य उनके साधु भी बने, गृहस्थ भी हजारों बने और तपोस्थली बना। राघोपुरी महाराज के बारे में कहा जाता है कि औदहा बरेठी में वह घनघोर तपस्या में रहते थे। काशी में काशी दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और जगतगुरु से उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद औदहा बरेठी में आकर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से चंद्रशेखर सोलंकी पहुँचे और उन्होंने उनसे न केवल दीक्षा ली बल्कि चित्रकूट में आने का आमंत्रण दिया। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ के महाराजा अधिराज स्वयं महादेव यानी मध्यनाथ महाराज जी हैं और वह यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि भगवान श्री राम को भी अनुमति देते हैं यहाँ पर रहने की। भगवान महामध्येन्द्रनाथ जी महाराज ने यहाँ पर पंच दशनाम जूना अखाड़े को अनुमति दी और यहाँ पर राघोपुरी महाराज आकर रहने लगे। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में पूरे चित्रकूट की तरह यहाँ पर भी भंडारे का आयोजन किया गया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर भंडारा स्थानीय तौर पर ही किया जाता है। वैसे यहाँ के महाराज बताते हैं कि पूरे देश से, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो और चाहे वह काठमांडू हो, यहाँ पर भक्त पहले आते रहे हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर भक्तों का आना बिल्कुल कम है और 25-30 लोग ही मिलकर यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं और भगवत आराधना कर रहे हैं।
उन्हीं की पुण्यतिथि में भी और प्लस उनके गुरु सेवा के लिए सारे संत और यहाँ पे भक्त लोग इकट्ठा हैं। इस बार तो कुछ सरकार की कोरोना के कारण सरकार का नियम का पालन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 10-20 लोग हैं, लेकिन आज के दिन यहाँ पे हजारों लोग आते थे और आज नहीं है। कानून का पालन कर रहे हैं हम लोग, कोरोना के पालन का कारण करते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए आज हम यहाँ 20-25 लोगों की भोजन व्यवस्था यहाँ चालू है। अब आपको हम बताते हैं कि वास्तव में यह स्थान चित्रकूट में काशी के नाम से क्यों जाना जाता है। यह वह धुनी है जो कि लगातार 43 साल से जागृत है। यहाँ बैठकर राघवपुरी महाराज तपस्या किया करते थे। उनके तप में इतना प्रभाव था कि इस जगह को लोग एक तरह से जागृत स्थान कहने लगे। यहाँ पर भगवान शंकर के साथ ही दत्तात्रेय जी की भी तस्वीर है। यहाँ पर लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ का उपवन देखिए, जहाँ पर लगभग हर वह पेड़ है जो अन्य जगह पर मिल जाता है, ये तपस्थली में यहाँ पर ये विशेष बनी हुई हैं समाधियाँ, और यह समाधियाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारी हैं। पिछले 42 सालों में यहाँ पर दर्जनों साधुओं ने आकर अपना शरीर त्यागा। अब वर्तमान महंत गोवर्धनपुरी बता रहे हैं कि कैसे उनके चाचा ताया और गुरु भाई आदि यहाँ पर लौट कर आए और उन्होंने तपस्या अपने अंतिम समय पर करी और यहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से दीक्षा लेने वाले संत पूरे देश में विदेश में भ्रमण करने के बाद अपने अंतिम समय चित्रकूट आते हैं। अब आपको हम छोड़कर जा रहे हैं चित्रकूट की कुछ मधुर यादों के साथ। यहाँ पर हर उस देवता की पूजा आराधना करने का आपको अधिकार प्राप्त है जो कि अन्य जगहों पर नहीं मिलता। चित्रकूट शैव शाक्त और वैष्णव परंपरा का इकलौता विश्व में संवाहक है। गंगा आरती का आनंद लीजिए और कहते रहिए जय जय चित्रकूट धाम।